नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे रिंग वर्म के विषय में। रिंग वर्म जो कि आज के प्रदूषित वातावरण में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आप जिसको देखिए उसको खुजली है, कहीं ना कहीं उसको एलर्जी है, कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन है। उसमें जो साथियों रिंग वर्म है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत लोगों में इसको तकलीफ होती है और वह परेशान रहते हैं। हम आपको बताएंगे इस रिंग वर्म की समस्या को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, जो कि आपको हमेशा के लिए इस समस्या से छुट्टी दे देंगी। और आपको जो ट्यूब लगा लगा के आप तमाम ट्यूब अप्लाई कर करके उसको दबा रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं, उस समस्या से आप बच जाएंगे और हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले साथियों, ये जानकारी होनी चाहिए कि रिंगवर्म होता क्या है, क्योंकि इसका जो नाम है यह भ्रांतिपूर्ण है। रिंगवर्म एक फंजाई के इन्फेक्शन की समस्या है। मोल्ड लाइक फंगस होता है, जो पैरासाइट होता है, जो आपके डेड टिश्यू जैसे कि नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, स्किन हो गए, इस पर ग्रो करता है, इस पर यह बढ़ता है और आपके लिए तकलीफ पैदा करता है। जैसा कि नाम इसका डिनोट करता है, रिंग वर्म, वास्तव में इसमें कोई कीड़ा इन्वॉल्व नहीं होता है, यह फंजाई की समस्या है और यह पूरी तरह ठीक होने वाली समस्या है। और इसको ठीक होना इसलिए भी ज़रूरी है कि हाईली कंटेजियस है। आपको है तो आपके परिवार में बाकी लोगों को भी हो सकती है, चाहे वो कपड़ों से हो, चाहे वो टच से हो, चाहे वो सरफेस से हो, ज़मीन पर भी आपका इन्फेक्शन है, उससे भी किसी को यह इन्फेक्शन हो सकता है। तो साथियों, यह रिंगवर्म की समस्या होती है जो हमने आपको बताया। अब इसके सिम्टम्स को जान लेते हैं कि आप कैसे पहचाने कि रिंगवर्म है। रिंगवर्म में साथियों क्या होता है कि रिंग लाइक इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि जो उस रिंग के गोले के बीच का हिस्सा होता है उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, वो प्लेन होता है। खुजली इसमें हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। पहले यह बॉडी में छोटे छोटे होते हैं और फिर यह आपस में यूनाइट होकर बड़े होते जाते हैं। वो रिंग्स का आकार आपको बड़ा दिखने लगता है, यानी ज़्यादा एरिया वो कवर करने लगते हैं। यह नॉर्मली बॉडी फोल्ड्स पर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इनग्वाइनल रीजन में हो गया, आर्मपिट पे हो गया, या एल्बो के बीच में हो गया, इन जगहों पर यह समस्या ज़्यादा होती है। इसके कारण की साथियों बात कर लेते हैं। रिंगवर्म का कारण जैसा हमने बताया फंगस होता है। यह जो फंजाई होता है, जब यह आपके डेड बॉडी के जो डेड जैसे कि नेल्स हो गए, बाल हो गए, हेयर्स हो गए, यह सब डेड एंटिटीज होती हैं, इन पर यह ग्रो करता है और यह आपको तकलीफ पैदा करता है। रिंगवर्म फैलने के कारण कई सारे होते हैं। रिंगवर्म आपस में कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। रिंगवर्म सरफेस यानी ज़मीन पे इन्फेक्शन है और उसको आपने टच करा, उससे भी हो सकता है। रिंगवर्म इन्फेक्टेड क्लोथ्स कपड़े पहनने से भी हो सकता है। रिंगवर्म सॉइल में इन्फेक्शन है और ये कम होता है, लेकिन ये हो सकता है कि सॉइल में इन्फेक्शन है और उससे आपको रिंगवर्म का इन्फेक्शन हो गया। लेकिन साथियों समस्या है तो उसका समाधान भी है। हम आपको बताएंगे रिंगवर्म को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। उससे पहले साथियों हम आपको बता दें, जो हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि हर दवा के अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन हर दवा के अपने नुकसान भी होते हैं। तो आप अपने सिम्टम के हिसाब से दवा अपने डॉक्टर से लें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं होम्योपैथी में रिंगवर्म को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। नंबर एक दवा होम्योपैथी में जो रिंगवर्म को ठीक करने की है, वह है बैसिलनम। अगर आपको रिंगवर्म की समस्या है, आपके गोल गोल से रिंग्स आ रहे हैं जो कि इची हो रहे हैं, उसमें चारों तरफ लाली है और बीच में वो नॉर्मल स्किन है, इस तरह के अगर आकार आप में डेवलप हो रहे हैं तो समझ लीजिए वो रिंगवर्म इन्फेक्शन है। उसको ठीक करने की सबसे कारगर नंबर एक दवा है बैसिलनम। बैसिलनम साथियों 200 पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर आप ले लें और 24 घंटे तक कोई अन्य दवा ना लें, और इसके बाद फिर आप इसको
तीन चार हफ्ते रिपीट कर दें, आप देखेंगे कि सिंगल एक दवा से आपका रिंग वर्म का इन्फेक्शन ठीक हो गया, उसकी खुजली भी खत्म हो गई, उसके रैक्शंस भी खत्म हो गए। तो यह बहुत कारगर दवा है, आप इसको लेके रिंग वर्म से छुटकारा पा सकते हैं। एक साथ ही स्थिति आती है रिंग वर्म पे इन्फेक्शन में कि जब आपके जगह जगह लाल लाल चकत्ते आ रहे हों और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो और खुजलाने से उसमें आराम ना मिल रहा हो और वहाँ आपके फोल्ड्स ऑफ स्किन में हो कि जहाँ जहाँ स्किन का एक घुमाव है, जहाँ पे फोल्ड है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जॉइंट के बीच में हो गया, बगल में हो गया, जांघों के बीच में हो गया, अगर इन स्पॉट्स पे आपको रिंग वर्म इन्फेक्शन है, बहुत खुजली हो रही है और खुजलाने से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने के साथ ही बहुत कारगर दवा है सीपिया। आप सीपिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आप देखेंगे कि आपका रिंग वर्म इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, उसकी खुजली ख़त्म हो गई, वो लाल लाल पैचेस ख़त्म हो गए जो कि आपके बगल जांघ के बीच में या फिर आपके एल्बो पे हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है रिंग वर्म इन्फेक्शन की कि आपकी मूछों में, मुस्टैचेस में जो है वहाँ रिंग वर्म इन्फेक्शन हो गया और आपको बहुत खुजली हो रही है। तो अगर आपकी मूछों पे रिंग वर्म इन्फेक्शन है और आपको बहुत खुजली हो रही है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सीपिया है। आप सीपिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि जो आपके मूछों में मुस्टैचेस पे खुजली हो रही वहाँ ख़त्म हो गई, आपका रिंग वर्म इन्फेक्शन भी ठीक हो गया। सीपिया का जो मरीज होता है उसको यह जो खुजली होती है वह खुली हवा ओपन एयर में ज़्यादा बढ़ती है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि पूरे शरीर में आपके लाल लाल चकत्ते पड़ गए, लाल लाल घेरे वाले आपके इन्फेक्शन्स हो गए और वह बड़े हैं, यानी छोटे छोटे इन्फेक्शन जगह जगह हुए और वह जुड़ के बड़े होते गए। अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है टेल्यूरियम। आप टेल्यूरियम 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके यहाँ लाल लाल बड़े चकत्ते पड़ रहे हों, जो शरीर के बहुत बड़े भाग को कवर कर लिए हों, बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लिए हों, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो और खुजलाने से कोई आराम न मिल रहा हो। टेल्यूरियम के मरीज का जो यह रिंग वर्म इन्फेक्शन होता है साथियों, उसको जो है उसमें बदबू भी आती है, तो अगर यह ऑफेंसिव स्मेल आपके इरप्शन से आ रही हो, बड़े बड़े पूरे शरीर में लाल घेरे हुए चकत्ते हों और उसमें खुजली और जलन और चुभन वाली जो है वो दर्द हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने में टेल्यूरियम आपकी बहुत मदद करेगी। इसकी 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप लेकर अपनी इस समस्या को खत्म कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। आमतौर पे तो नहीं साथियों, लेकिन कई केसेस में जब यह रिंग वर्म इन्फेक्शन होता है तो उस पर पपड़ी भी पड़ जाती है, जब वह लाल रिंग सूखते हैं तो वहाँ पे पपड़ी पड़ जाती है और उस पपड़ी से फिर बदबू आने लगती है, डिस्चार्ज होने लगता है। तो अगर रिंग वर्म की यह स्थिति आप में है तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस क्रायोसर्बिनम है। आप क्रायोसर्बिनम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपके बहुत ज़्यादा रिंग वर्म इन्फेक्शन रहा हो और उसके बाद उसमें पपड़ी भी आ गई हो और बदबू भी आ रही हो, उसमें से डिस्चार्ज आ रहे हो, तो अगर ये वेसिकुलर टाइप आपके रिंग वर्म इन्फेक्शन है तो इसकी दवा क्रायोसर्बिनम है। इसको 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका रिंग वर्म की समस्या और यह जो पपड़ी पड़ने की, क्रस्ट बनने की समस्या है, यह दोनों ख़त्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके जो लाल चकत्ते पड़ रहे हैं इसमें जलन बहुत हो। अगर आपकी यह स्थिति है और आपके रिंग वर्म इन्फेक्शन है कि आपके इरप्शंस में जलन बहुत हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सल्फर। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर हर हफ्ते ले सकते हैं, आप देखेंगे कि आपके रिंग वर्म की जलन भी ख़त्म हो गई, उसकी खुजली भी ख़त्म हो गई और रिंग वर्म इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गया। सल्फर के मरीज को साथियों नहाना बहुत पसंद नहीं होता है, खाने में मीठा बहुत पसंद होता है और रात में उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, तो अगर यह सिम्टम आप अपने में देखते हैं तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस सल्फर है। फिर साथियों एक स्थिति आती है रिंग वर्म इन्फेक्शन की कि जो आपकी दाढ़ी है, जहाँ पर बियर्ड है, उसमें रिंग वर्म इन्फेक्शन हो गया, तो अगर यह स्थिति साथियों है तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है काली सल्फ्यूरिकम। आप काली सल्फ्यूरिकम
सिक्स एक्स पावर में, काली सेल्फ सिक्स एक्स पावर में चार गोली सुबह चार गोली शाम ले लें, आप देखेंगे कि जो आपकी दाढ़ी में हुआ रिंगवर्म इन्फेक्शन है और उसमें जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं और पपड़ी पड़ रही है वहाँ ख़त्म हो जाएगी और आपका रिंगवर्म इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके पूरे सर में रिंगवर्म इन्फेक्शन हो गया, आपके बाल भी झड़ने लगे और जो बाल बचे उनमें चमक ख़त्म हो गई और बाल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए महसूस हुए। अगर यह स्थिति हो साथी हो तो इस स्थिति में रिंगवर्म इन्फेक्शन को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सोराइनम। आप सोराइनम व नीम की तीन खुराक 55 मिनट के फासले पर हर हफ्ते ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके सर पे जो इन्फेक्शन है रिंगवर्म के वहाँ ख़त्म हो गए, आपके जो खुजली सर में हो रही है जिससे बाल बहुत झड़ रहे हैं वहाँ ख़त्म हो गई और अल्टीमेटली आपके बाल झड़ना भी रुक गए और वहाँ काले घने और खूबसूरत हो गए। फिर साथियों की स्थिति आती है रिंगवर्म इन्फेक्शन में कि आपके रिंगवर्म इन्फेक्शन हुआ और उसमें वहाँ पे सफ़ेद स्पॉट्स आ गए, वाइट स्पॉट्स आ गए, तो अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आर्सेनिक सल्फ्लेवम। आप आर्सेनिक सल्फ्लेवम 6x पावर में एक टैबलेट दिन में तीन बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि रिंगवर्म के बाद जो वाइट पैचेस पड़ जाते हैं उसकी हील होने के बाद वहाँ पैचेस इस दवा से बिल्कुल ठीक हो गए और आपकी स्किन यूनिफॉर्म कलर और टोन में हो गई। फिर साथियों एक स्थिति आती है किसी किसी को रिंगवर्म की कंडीशन में कि उनके स्कैल्प पे रिंगवर्म हुआ और चकत्तों में जगह जगह स्पॉट्स में बाल खत्म हो गए, उनके इतनी ज़्यादा खुजली हुई, इतनी ज़्यादा इचिंग हुई स्कैल्प हुए कि खुजलाते खुजलाते उनके बाल भी झड़ गए और वहाँ पे बैडनेस आ गई स्पॉट्स में, तो अगर यह कंडीशन आप में हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में तीन बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके सर में बहुत इचिंग हो रही हो, चकत्ते जैसी बैडनेस आ गई हो, जगह जगह स्पॉट्स आ गए हों, आपको बेचैनी बहुत महसूस होती हो, आपको थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगती हो, आपको पानी पीना पड़ता हो, आपको जलन महसूस होती हो और जो जहाँ पे बाल गए हैं आपके और वहाँ पे रिंग पर इन्फेक्शन है वहाँ पे डार्क स्पॉट्स आ गए हों, तो अगर यह स्थितियाँ आप अपने में देखते हैं तो आर्सेनिक एल्बम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसकी 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेने पर आपका रिंगवर्म इन्फेक्शन हमेशा के लिए ठीक हो जाने की पूरी उम्मीद है। फिर साथियों एक स्थिति आती है रिंगवर्म में कि जब रिंगवर्म है आपको और रात में आपको कपड़े बदलने के बाद कपड़े उतारने के बाद खुजली बढ़ जाती है, तो अगर यह सिम्टम आप में है कि रात में जब आप अपने को अनड्रेस करते हैं उस वक्त आपके खुजली बढ़ जाती है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रेडियम ब्रोम। आप रेडियम ब्रोम 32 बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो अनड्रेसिंग के बाद रात में खुजली बढ़ना है वह सिम्टम ठीक हो गया और आप अपने को बेहतर महसूस करने लगे। फिर साथियों एक पिक्यूलियर कंडीशन होती है रिंगवर्म इन्फेक्शन में कभी कभी कि वह बाइलेटरल होता है, यानी कि यहाँ रिंगवर्म इन्फेक्शन है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है तो यहाँ पर है, यहाँ पर है तो यहाँ, तो जो सिमेट्रिकल रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है इसको ठीक, अगर यह सिम्टम आप में है तो उस स्थिति में रिंगवर्म को ठीक करने की बहुत कारगर दवा सिफ्लिनम है। आप सिफ्लिनम 1 mg की तीन खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि यह जो सिमेट्रिकल यानी कि इधर है तो इधर है, इधर है तो इधर है, इधर है तो इधर है, यह स्थिति आपकी ठीक हो गई सिफ्लिनम 1 mg के वीकली इस्तेमाल से और आप इस समस्या से परेशानी से बाहर आ गए। ये साथियों कुछ दवाएं थीं रिंगवर्म इन्फेक्शन को ठीक करने की। बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं, मतलब हमारे क्लिनिक अगर जितने पेशेंट्स आते हैं उसमें से आधे स्किन डिजीज़ के होते हैं और उन आधों में से काफ़ी बड़ा प्रतिशत यह रिंगवर्म का होता है, इसलिए आपके सामने हमने ये दवाएं रखी होम्योपैथी में कारगर दवाएं, आप इनका लाभ ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही कोई दवा लीजिएगा, जो हमारे या कोई भी यूट्यूब वीडियो देख कर यूँ दवा न लीजिएगा। अगर साथियों आपके मन में कोई क्वेरी हो रही हो तो आप
नोटिफिकेशन पैनल में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 9415786380 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करा जाएगा उन रेलिवेंट क्वेश्चंस का जिसमें वाकई जवाब की आवश्यकता है। साथियों, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, औरों को सब्सक्राइब करने को प्रेरित करिएगा, इसको शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, इतने देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।